इतना बात कहा गया है कि जो जो घटनाएं हो रही हैं आज मुझे या कोई भी एक इंडिविजुअल को इतना खतरा है कैंपस में खुल के अपनी बात नहीं रख सकता है, उसको इतना डर है कि वो अपना एग्जेक्टिव ओपिनियन अगर है तो वो यहाँ पर लिंच कर दिया जाएगा या कूट दिया जाएगा। यही सब बातें हम लोगों ने वहाँ जाकर रखी हैं और इस पर डॉक्टर का कहना यह है कि लॉ फैकल्टी से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद में वो लोग एक्शन लेंगे। तो हम लोग इसी तरह से जुड़े रहें और आज जो हम लोगों ने अपना रेजिस्टेंस दिखाया है उससे एक एक संदेश दिया है कि अगर अब कोई किसी भी छात्र के ऊपर अगर हाथ उठाया जाएगा तो ये फैकल्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम लोग पूरी कमीशन का विरोध करेंगे। मेरी स्टूडेंट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, हिजाब उसका खींच के और उसको लिंच किया गया है। अभी फोन से अभी खबर आई है, उससे पहले पटेल चेस्ट पे हौज खास में हर जगह इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक मुद्दा बनाया जाए और हर मुस्लिम छात्र कश्मीरी को ये लोग लिंच करके अटैक कर रहे हैं। हम लोग इसका भी यहाँ से कंडेम करते हैं और उस पर आगे भी हम लोग एक्शन के लिए। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही हुआ है और अभी कंफर्म नहीं है कि क्या हुआ है, पूरा घटना मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ से इस मंच से उसको कंडेम करते हैं और साथ ही में साथियों हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं लगातार कश्मीरी स्टूडेंट्स को टारगेट बना के कैंपसेस में माहौल खराब कराया जा रहा है। हम इस चीज़ को लगातार देख रहे हैं, जो लॉ फैकल्टी के टीचर के साथ भी हुआ, एक पूरा झूठ बोला गया और उस झूठ को बिल्ड करके, झूठ के नैरेटिव को बिल्ड करके उसको मारपीट किया गया और लगातार एबीवीपी इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से 2 साल पहले, इस बात को कहीं भी मत भूलिए, चुनाव से 2 महीने पहले वो लोग कैंपसेस के अंदर इस तरह का माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग इस तरह का माहौल बनाए कि ये देशद्रोही है, इस तरह का माहौल बनाए कि लोग हमसे डर जाए और कैंपस में जो शांति है, एकेडमिक फ्रीडम है और जो जॉब के लिए आवाज़ निकल रहा है, एडुकेशन के ऊपर जितने संघर्ष हो रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर के लिए जो संघर्ष के खिलाफ जो संघर्ष हो रहा है उसको दबाएं। और मेरे हिसाब से हम लोग जब ये कश्मीरी स्टूडेंट का हम लोग को मामला और पता चलता है तो कल को उसके लिए भी हमें यहाँ पर आना पड़े तो हम लोग आएंगे और उसके विरोध में भी अपनी आवाज़ को उठाएंगे। आखिरी में मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अभी जब हम लोग प्रॉक्टर के अंदर मिले तो इस चीज़ का आश्वासन मिला है कि जैसे ही लॉ फैकल्टी का कंप्लेंट आ जाएगा तो प्रॉक्टर इंक्वायरी होगा, लेकिन हमें उसको थोड़ा फॉलोअप करना पड़ेगा। एक टीचर को मारा गया है यहाँ पे, उसके साथ मारपीट हुई है, उसके खिलाफ हम इकट्ठे हैं। ये कैंपस जो है, कैंपस में मारपीट से नहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कैंपस में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कैंपस किसी के पाप का नहीं है, ये कैंपस हम सबका है। कोई मारपीट किसी छात्र के साथ, किसी क्रिकेट के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम ये इंतजार करने आए हैं, हम ये बताने आए हैं ये यूनिवर्सिटी किसी के पाप की नहीं है, ये हम सबके खून पसीने के पैसे से बनी है और हम सब यहाँ पे बराबर के भागीदार हैं। यूनिवर्सिटी जो शब्द होता है वो यूनिवर्स से बना है। यहाँ पे हर तरह के विचार की आजादी होनी चाहिए, हर तरह के विचार को खुली छूट होनी चाहिए। यहाँ पे आप किसी को दबा नहीं सकते, अगर सारी दुनिया एक साथ सोचती है तब भी मुझे अलग सोचने का हक है।